आज अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को 15 दिन बीत चुके हैं। सिद्धार्थ आज से ठीक 15 दिन पहले सुबह करीब 10:30 बजे हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ का इस दुनिया से जाना और दोबारा कभी लौट कर ना आना, जितनी बार ये ख्याल जहन में आता है उतनी बार आंखें चाहने वालों की नम हो जाती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला को खो देने के गम से उभर पाने में अभी वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया से गए, 15 दिन उनके निधन को हो चुके हैं और इन 15 दिनों में वो 15 तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वो हम इस खास रिपोर्ट में आप सबको दिखाएंगे। शहनाज गिल जब एम्बुलेंस के पीछे सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिल्लाकर भाग रही थी, शहनाज गिल जो अपने भाई का हाथ पकड़कर गाड़ी में बच्चों की तरह रो रही थी, आंखों को नम कर देने वाली वो 15 तस्वीरें जो शायद ही कोई सिद्धार्थ फैन कभी भुला पाएगा, उन 15 तस्वीरों की एक छोटी सी कहानी हम आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं। शमशान घाट पहुंची शहनाज गिल से लेकर आज जो शहनाज की हालत है, गौहर खान के गुस्से से लेकर जसलीन के हॉस्पिटल पहुंचने तक की जो कहानी है, वो सब हम आपके सामने पेश करेंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन हो चुके हैं सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए। इन 15 दिनों में काफी कुछ बदला है। इन 15 दिनों में सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता हजारों लोगों के दिलों में बस गया है। इन 15 दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी 15 तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो ऐसी वायरल हुई हैं, हम उन पर इस खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सिद्धार्थ का सबको छोड़कर चले जाना काफी ज्यादा दर्दनाक रहा। 40 साल की उम्र के सिद्धार्थ जब इस दुनिया से गए, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां परिवार वाले कूपर हॉस्पिटल सिद्धार्थ को लेकर गए, वहीं जैसे ही हॉस्पिटल से ये खबर सामने आई कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, सितारों का पहले कूपर हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हुआ और फिर सिद्धार्थ शुक्ला के घर ये तमाम सितारे पहुंचने लगे। सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं और ये तस्वीर शहनाज गिल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का दिल तोड़ गई। इस तस्वीर में शहनाज के साथ उनके भाई शहबाज भी थे जो पहुंचे थे शमशान घाट। शहनाज जो वीडियो तक स्पॉट की गई थी, गाड़ी में बैठी थी और ऐसे रो रही थी जैसे शहनाज की पूरी दुनिया उजड़ गई। शहनाज के भाई शहबाज उनका हाथ पकड़कर बहन को सहारा देते हुए नजर आ रहे थे। गाड़ी से बाहर निकलकर शहनाज सिद्धार्थ का नाम चिल्लाती हुई जिस तरह एम्बुलेंस के पास भागी, लोगों का दिल वहीं पर रुक गया। उसके बाद वाली तस्वीर है जहां शहनाज गिल सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के बाद वहीं पर पूजा के दौरान गिर गई थी। जी हाँ, इतनी खराब हालत में थी शहनाज गिल कि अंतिम संस्कार के दौरान 2 बार वहीं पर बेहोश हो गई। डॉक्टर वहां पर आए, उन्होंने शहनाज को चेक भी किया। शहनाज की ये हालत देखकर लोग वाकई अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और हर किसी की आंखें नम हुई। इस पूरे दिल को नम कर देने वाली तस्वीरों के साथ अब अगली तस्वीर है गौहर खान की। गौहर खान ने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के निधन के बाद तस्वीर पोस्ट की जहां गौहर हंस रही थी और गौहर का हंसना ट्रॉलर्स को बिल्कुल रास नहीं आया। नेटिजन्स ट्रॉल्ड गौहर और लोगों ने कहा, आवर्स बैक आई सॉ हर वीपिंग पिक्चर्स व्हाइल द अदर सेड इज इट द राइट टाइम। 3 सितंबर की ये पोस्ट है गौहर की, जहां गौहर ने इस तरीके से अपना पोस्ट डाला और लोगों ने उन्हें ट्रॉल किया।
उसके बाद वाली तस्वीर है आसिम रियाज की। आसिम रियाज बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ के साथ उनके लड़ाई हुए, उनके झगड़े हुए। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और आसिम रियाज पहले भाई बने और फिर दुश्मनों की तरह एक दूजे पर बरसे भी। लेकिन यहाँ जब आसिम को सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर मिली, आसिम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे सीधे चल दिए सिद्धार्थ शुक्ला के पास, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का सहारा बनने के लिए। आसिम रियाज की आंखों में भी आंसू थे और आसिम के दर्द को भी हर कोई महसूस कर पा रहा था, हर कोई देख पा रहा था कि सिद्धार्थ को खो देने का दर्द आसिम को भी है। अगली तस्वीर है संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी की, जो सिद्धार्थ की फ्यूनरल पर पहुंचे और वहां पुलिस वालों के साथ संभावना का झगड़ा हो गया। उसके बाद बारी आती है आसिम रियाज और पारस छाबड़ा की। बिग बॉस के घर में इन दोनों की कभी एक दूसरे के साथ नहीं बनी, लेकिन सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर आसिम भी पहुंचे, पारस छाबड़ा भी पहुंचे और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। पारस ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि सिद्धार्थ ने स्वर्ग से उन्हें और आसिम को एक किया है। उसके बाद बारी आती है शहनाज गिल की। शहनाज गिल को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के दो दिन बाद भी जो खबर आई वो ये थी कि शहनाज बहुत खराब हालत में है। यही खबर आई कि शहनाज सो नहीं रही है, रो नहीं रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, खा नहीं रही है। इतनी खराब हालत है थी शहनाज गिल की कि उन्हें अकेला तक छोड़ना मुमकिन नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में शहनाज का सहारा बनी रीटा शुक्ला। जसलीन मथारू भी सिद्धार्थ के घर पहुंची थी और जसलीन मथारू ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि शहनाज गिल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जसलीन मथारू जब सिद्धार्थ शुक्ला की फ्यूनरल से उनके घर से वापस आईं, सोशल मीडिया पर उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक पोस्ट डाला और लोगों ने यही कहा, तुम भी मर जाओ। अगली जो तस्वीर है वो जसलीन की है, हॉस्पिटल से आई एक फ़ोटो है जहाँ पर जसलीन ने खुद बताया कि लोगों की बातों का उन पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्हें 103 डिग्री बुखार हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। खैर, समय बीतता जा रहा है, फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की याद में शहनाज गिल की हालत तो खराब ही है, लेकिन शहनाज इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। तो देखा आपने, ये 15 तस्वीरें उस दर्द को बयां कर सकती हैं जिन्हें हम शब्दों में कभी आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये 15 तस्वीरें दिल को कुछ इस तरह से भर देती हैं जैसे कभी सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम कम होगा ही नहीं। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हम यही कामना करते हैं सिद्धार्थ जहां भी हैं वो खुश रहें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहिए अपडेटेड।